अरे बेटा राजू, यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कब से तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही है? ओहो मेरे लाल, आज किसने किया तेरा ये हाल? सूखे पड़े हैं मुंह और गाल? पापा, आपका लाल करने वाला है ऐसा कमाल कि आपका नाम हो जाएगा बदनाम। मेरा मतलब है कि आपका नाम रोशन कर दूंगा। क्यों बे? मुझे क्या ऋतिक रोशन ने अपना बेटा बना लिया है जो मेरा नाम रोशन हो जाएगा? अरे पापा मजाक छोड़ो, पहले मेरी बात तो सुनो। ऐसा क्या करने वाला है तू जिससे मेरा नाम रोशन हो जाएगा? ठहरो, तुम बाप बेटे एक दूसरे का नाम रोशन बाद में करना। पहले राजू तुम बाजार से सब्जी ले आओ। घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं यहाँ नई नई चीजों की खोज करने में लगा हूँ और घर के लोगों ने मुझे छोटू बना कर रख दिया है। गजब बेइज्जती है। तू छोटू है और छोटू ही रहेगा। अपनी खोज बाद में कर लेना, पहले बाजार से सब्जी ले आओ। मुझे एक्सपेरिमेंट करने दो, पूरे दिन घर में पलंग तोड़ते रहते हैं। मुझसे नहीं होगा, पापा से बोलो तू और एक्सपेरिमेंट। तू पकैटी पर ध्यान दे, ये सब तेरे बस का नहीं है। देखो पापा, बकैती और एक्सपेरिमेंट दोनों एक ही हैं। लो एक और नहीं बकैती। बकैती और एक्सपेरिमेंट दोनों एक कैसे हैं? जरा बता। पापा दोनों में ही नए नए आइडिया ढूंढने होते हैं। जैसे आप मौसी को पटाने के लिए नए नए आइडिया ढूंढते रहते हो। ठीक है लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है जो तुम जैसे नालायक के पास तो बिल्कुल नहीं है। What? पापा आप हम बेटों के काबिलियत पर शक कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि हम बेटों ने ही दुनिया में नाम कमाया है। ये कौन सी नई बकैती कर रहे हो? बकैती नहीं सच्चाई है। मार्क जुकरबर्ग के पापा का नाम पता है? नहीं। एलोन मस्क के पापा का नाम पता है? नहीं। MSG टूंस के हीरो राजू के पापा का नाम किसी को पता है? नहीं ना। इसीलिए कहता हूँ कि हम बेटों की काबिलियत पर शक नहीं करते। ठीक है लेकिन तुम करने क्या वाले हो? पापा मैं दुनिया बदल दूंगा। अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, लंगड़ा दौड़ने लगेगा। मुझे पता था ये ऐसे ही बकैती कर रहा है। अब लंगड़ा कैसे दौड़ने लगेगा बे? उसके ऊपर सांप या बिच्छू फेंक दो या फिर उसके पीछे कोई पागल कुत्ता छोड़ दो, वह अपनी जान बचाने के लिए जरूर भागेगा। हैं? ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? वो मजाक था, लेकिन ये देखो, ये है हवाई जैकेट। हवाई जैकेट? लेकिन इसका क्या? आप पूरा सुन तो लिया करो, चाइना की तरह बीच में ही टपक पड़ते हो। इस हवाई जैकेट को पहनकर कोई भी उड़ सकता है। क्या? इसे पहनकर आसमान में उड़ सकते हैं? हाँ, आप पर ही एक्सपेरिमेंट करूँगा। अभी इसे पहनकर आपको छत से कूदना है, फिर देखते हैं आप उड़ते हो या नहीं। हाँ हाँ, और उड़ते उड़ते बाजार से सब्जी भी ले आना। दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर नीचे गिर गया तो? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप और गिर सकते हो? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आप कैसे नीचे गिरोगे? आप ये हवाई जैकेट जो पहने रहोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे नहीं पहनना ये जैकेट फैकेट। आजा मेरे यार, मुझे था कब से तेरा ही इंतजार। तू मेला इंतजार कर लाता, यानी तुमने मेली लेने का मन बना रखा है। वैसे क्यों इंतजार कर लाता? तुझे हवाई जहाज से आसमान में उड़ने का मन है ना? हाँ, मुझे हवाई जहाज से उड़ने का बहुत मन है। मैं बचपन से ही उड़ना चाहता हूँ। तो बस समझ ले, तेरी बचपन की ये हसरत आज पूरी हो जाएगी। मेरी बचपन की मुलाद पूरी हो जाएगी। लेकिन कहते ये देखो, इसे मैंने बनाया है, ये पहनकर उड़ सकते हैं। क्या ये तत में इसे पहनकर उड़ सकते हैं? हाँ, और इसे तैयार किया है मैंने, और इससे पहली उड़ान भरोगे तुम। क्या? लेकिन छोड़ो और इसे पहन लो। पापा बबलू को लॉन्च करने में मेरी मदद करो। हाँ?
में दो तो नहीं दुतमन हो, अरे मेरी दान निकाल दी ले। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, नई चीजों को खोजने में कुर्बानी देनी ही पड़ती है। तू अपनी खोज डाली ला, मैं तेरी दोस्ती को कुर्बान करता हूँ, मैं को डाला हूँ। नहीं नहीं मेरे जिगर के छल्ले, तुम्हारे बिना मेरा एक्सपेरिमेंट कैसे पूरा होगा भाई? अब क्या करना ताला है तू? देख भाई, गैस सिलेंडर का दाम कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम इस गैस की जगह कोई और गैस यूज कर सके तो हमारा कितना मुनाफा हो जाएगा। लेकिन कोई और गैस कहाँ से लाएगा? अपना मूली के पराठे और छोले भटूरे कब काम आएंगे? मूली के पराठे और छोले भटूरे, इनसे क्या होगा? ये खा खा कर पूरे कमरे में क्या फैलाए रहते हो? गैस, मूली के पराठे और छोले भटूरे खाने से पेट में गैस खूब बनती है। शाबाश। अब सोचो, उस गैस को कमरे में फैलाने से अच्छा अगर हम किसी सिलेंडर में भर लें तो क्या होगा? ये क्या नाप सुना बकते जा रहे हो? मम्मी जरा सोचो, अगर मेरा ये आइडिया सक्सेस हो गया तो फिर हमें कभी गैस सिलेंडर नहीं भरवाना होगा। वाह, कितना अच्छा होगा, मुझे पता था मेरा लाल एक दिन बहुत बड़ा कमाल करेगा। कमाल नहीं, ये केवल बवाल कर सकता है। मेरी सक्सेस देखकर अभी से आपको जलन हो रही है भाई, लेकिन उत गैस से आग जलेगी भी या नहीं ये तो अभी पता ही नहीं है। इसी पर तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अभी तुम पादो और मैं मोमबत्ती जलाकर देखता हूँ ये आग लगती है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं डाला हूँ। अबे डर मत, मैं हूँ ना भाई, तू है इतनी बात का तो दल है, मैं तो तला। अच्छा ऐसा करो, तुम मोमबत्ती जलाकर पकड़ो, मैं पा देता हूँ, ठीक है? अरे वाह भाई लादू, तू तो ड्रैगन की तरह आग निकाल रहा है। मेरे चूतार में आग लग गई। अरे कोई बचाओ, आग बुझाओ। मैं तो पहले ही कहता था कि ये कोई बवाल करेगा। अब मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आग बुझाओ। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आग बुझाओ, मेरे चूतार में आग लग गई। अंतल लाते ही आग बुझाते हैं। बिल्कुल सही, आग भी बुझ जाएगी और इसे इसके किए की सजा भी मिल जाएगी। मारो इसे। आग बुझा रहे हो या मन की आग निकाल रहे हो? अरे मरे मैया।